टाइम्स की तरफ से सभी भाइयों को हिंदू मुस्लिम को ईद मुबारक, ईद की शुभकामनाएं। आज शहर सोलापुर में रमज़ान मुबारक महीने में ईद अपने अपने घरों में सभी लोग अदा किए, और जहां तक हो सके हम आज सोलापुर टाइम्स की तरफ से सभी भाइयों को ईद की शुभकामनाएं और ईद की सभी को ईद मुबारक की बात देते कहते हैं। यहाँ पर जहाँ भी लोग हैं आए हुए, तो हम सब हिंदू मुस्लिम एक खुशियों में सब एक दूसरे के शामिल होके आज उर्दू टाइम्स की तरफ से सभी को ईद मुबारक इतना कहते हुए हमारे प्रभाग नंबर 13 के सलीम भाई लोकन वाले आप ईद मुबारक के बारे में कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फितर के मौके पर आज ईद का दिन है, रमज़ान ईद। तमाम देशवासियों को मुबारकबाद है। इतिहास के अंदर पहली मतलब ऐसा हुआ है मुसलमानों ने अपनी ईद को घर में मनाया है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात सुनते हुए अपने अपने घरों में लोगों ने नमाज पढ़ी और पुलिस वालों का साथ दिया, और जो रमज़ान ईद को सुकून के साथ और जो इसके साथ वकार के साथ अदा किया, अपने अपने घरों में लोगों ने नमाज अदा की। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत दी गई थी कि लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़े, तो हम सब ने घर में नमाज पढ़े और हर मोहल्ले में ऐलान किया गया शांति के साथ और अमन के साथ आज ईद का दिन गुजर रहा है। इसलिए हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क से, हमारे गांव से, शहर से, मुल्क से, पूरे देश से इस बीमारी को अल्लाह पाक ख़त्म करे और अमन अमान कायम करे, और यहां से जातिवाद को ख़त्म करे, आपस की नाइतफाई को ख़त्म करे, और ऐसे लोग जो लोगों में झगड़ा लगाना चाहते हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी खुदा हिदायत दे। और जो है आज की ईद के मौके पर इस बात की दुआ है। हमारे शहर सोलापुर के सीपी साहब ने भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बाबू बांगर साहब ने भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया, डोंगरे साहब और चौगुली साहब ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। हमारे शहर की पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया शांतता के साथ, और पूरे मुसलमानों का भी साथ दिया, मुसलमानों ने भी उनका साथ दिया, और नमाजें वक्त पर अदा हुई, ईद घर में मनाई जा रही है। तो आगे का जो काम है अपना, अपने घरों में गर्दी जमा न करें, मोहल्लों में गले मिलने का माहौल न बनाए, रास्तों पर मोहल्ले जो है गले मिलने का माहौल न बनाए, ताकि किसी पत्रकार को, किसी मीडिया वाले को इस बात का मौका नहीं मिले कि मुसलमानों को टारगेट बनाए। मुसलमान मानने वाली कौम है, प्यार से मोहब्बत से अगर इनको बोलेंगे तो बहुत जल्द मान जाती है, बहुत अच्छी कौम है, इबादत गुजार है, खुदा के अहकाम मानती है। तो मैं इतना कहकर यहाँ के पुलिस वालों को भी जो है शुभेच्छा देता हूँ, तमाम पुलिस वालों को, और जो नायकवाड़ी फैमिली की तरफ से सलीम नायकवाड़ी और रियाज नायकवाड़ी, हमने बहुत कुछ मोहल्लों में चल फिर के कोशिश की, मेहनत की, हमारे बच्चों ने तकरीबन 50-60 बच्चों ने हमारे जो है काम किया, मोहल्ले के अंदर शांतता का काम किया है, अमन का काम किया है। जब से कोरोना वायरस शुरू है हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है, उनका साथ देते आए हैं, और जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं, हम मोहल्लों में गर्दी करने से, भीड़ करने से यही बात के मना कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को इस बात की दुआ है कि बीमारी जल्द से जल्द खत्मा हो जाए इसका, और अल्लाह ताला यहाँ के हिंदुस्तान वालों को सबको हिदायत दे, सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए।